एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 7। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज नया टाइप पढ़ रहे हैं, उस टाइप के लिए हमें कंडीशन याद रखना है। एन कंडीशन बहुत सरल है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराऊंगा। एन सम हो या विषम, एन सम हो या विषम, एक्स की पावर एन माइनस वन सदैव एक्स माइनस वन से विभक्त होगा। आगे बात करते हैं, एन विषम हो तो एक्स की पावर एन प्लस वन सदैव एक्स प्लस वन से विभक्त होगा। अगला बात करते हैं, एन सम हो तो एक्स की पावर एन माइनस वन सदैव एक्स प्लस वन से विभक्त होगा, विभक्त। अब देखो तीन कंडीशन है, कैन सम हो या विषम, मतलब कुछ भी हो, तो एक्स की पावर एन माइनस वन सदैव एक्स माइनस वन से विभक्त हो। एन विषम हो तो एक्स की पावर एन प्लस वन सदैव एक्स प्लस वन से विभक्त हो। एन सम हो तो एक्स की पावर एन माइनस वन सदैव एक्स प्लस वन से विभक्त होगा। अब यहां पर देखो, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तब बहुत अच्छे से इस कंडीशन को समझना। देखो यहां माइनस वन हो रहा है एक्स में से, यहां माइनस वन हो रहा है देखो, और इन दोनों कंडीशनों में प्लस वन हो रहा है। अगर नीचे देखो संख्या छोटी आ जाती है तो हमें यह नहीं ध्यान रखना है कैन सम हो या विषम कुछ भी हो, एक्स की पावर एन माइनस वन सदैव एक्स माइनस वन से व्यक्त होता, क्योंकि माइनस वन मतलब नीचे छोटा रहा। लेकिन अगर नीचे बड़ा आ गया प्लस वन, तो देखो तब हमें याद रखना है कि एन क्या है। अगर एन विषम हुआ तो प्लस वन बनाते हैं, अगर एन सम हुआ तो माइनस वन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर वन बात कर रहे, ध्यान से समझना। 68 की घात 88 भागित 67 में शेष ज्ञात कीजिए। अब इसको देखो, 68 से 67 रह गया मतलब नीचे छोटा हो गया, नीचे छोटा हो गया तो हमें एन नहीं देखना है, किसमें बनाना है माइनस में। देखो 68 की घात 88 माइनस वन प्लस वन, देखो किसी संख्या में मैं एक घटाऊं और एक जोड़ूं कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बटे 67। देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया, एक्स की पावर एन माइनस वन सदैव एक्स माइनस वन से। देखो यहां पर एक्स क्या है 68 और ये क्या लिखा हुआ है माइनस वन से विभक्त होगा, इससे इसमें तो भाग चला गया, तो क्या शेष बचा एक, यही हमारा आंसर है। देखो कंडीशन एक बार में फिर से देखो, ये तो कंडीशन लिखी हुई है पर अपने शब्दों में बोल रहा हूं कि याद कैसे रखना है। देखो अगर नीचे छोटा हो गया तो हमें एन नहीं देखना है, माइनस में बनाना है। लेकिन अगर नीचे बड़ा हो गया तो हमें एन देखना पड़ेगा, अगर सम हुआ तो माइनस में बनाना है, अगर विषम हुआ तो प्लस में बनाना है। देखो ये बनाना सिखाया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 की घात 15 प्लस 4/17। अब देखो 18 से 17 रह गया मतलब नीचे छोटा रह गया तो माइनस में बनाते हैं, हम सम और विषम कुछ भी नहीं देखना है, तो देखो माइनस में बनाते हैं। 18 की घात 15 माइनस वन प्लस वन, माइनस में बनाते हैं मतलब माइनस वन को आगे रख लेते हैं, जब प्लस में बनाएंगे तब प्लस वन को आगे रख लेंगे, प्लस 4/17।
देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया कि x की पावर n माइनस वन सदैव x माइनस वन से, देखो यहाँ x 67 है और x माइनस वन कितना हो गया, x मतलब 18 है सॉरी, तो x माइनस वन कितना हो गया 17, तो इससे तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? देखो जहां तकलीफ रहे आप मेरे से पूछ लेना, बाकी मैं जो जो वर्ड बोल रहा हूं जिस तरीके से समझा रहा हूं आप एक दो बार वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाए। अगला देखो क्वेश्चन, आप लोग बस नियमित वीडियो देखते रहा करो, ऐसा ना हो कि एक भी भाग एक देख लिया फिर देख रहे हैं 7 भाग, अरे बाकी के भी तो देखो भैया तभी क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 45 की घात 50 माइनस 9 बटे 44। अब देखो 45 से 44 मतलब नीचे छोटा रह गया, नीचे छोटा रह गया तो किसमें बनाते हैं माइनस में, 45 की घात 50 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 9 जैसा का जैसा लिख दिया बटे 44। देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया, x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से व्यक्त होता है, क्या बचा माइनस 8। देखो ये उत्तर नहीं है, जब माइनस में उत्तर आता है तब भाजक में से घटा देते हैं, तो 44 में से 8 गए तो कितने बचे 36। क्लियर है ना, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 की घात 200 बटे 18 में क्या शेष बचेगा। देखो हम ज्ञान क्या कर रहे हैं, क्या शेष बचेगा। अब देखो 17 से 18 बड़ा आ गया नीचे, 17 से 18 क्या है नीचे बड़ा आ गया, बड़ा आ गया तो मैंने बताया था कि सम और विषम देखना पड़ेगा, यहां पर क्या है ये सम है, तो सम के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि x की पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होती है, तो माइनस में बनाना रहेगा, तो 17 की घात 200 माइनस 1 प्लस 1 बटे 18, तो ये कट गया, क्या उत्तर आया 1। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मिटा लेते हैं फिर देखते हैं, नहीं यहां आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 25 की घात 25 भागे 26 में क्या शेष बचेगा। अब देखो नीचे बड़ा आ गया, नीचे बड़ा है, बड़ा है तो सम और विषम देखते हैं, अब यहां पर ये क्या है विषम, तो क्या कंडीशन बताई थी आपको कि x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होती है, मतलब प्लस 1 में बनाना है। क्लियर है ना, तो 25 की घात 25 प्लस 1 माइनस 1 बटे 26, ये तो कट गया, देखो कंडीशन बन गई x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होती है, x यहां कितना है 25 और प्लस 1 कितना होगा 26, अब क्या बचा यहां पर माइनस 1। मैंने यहां सिखाया था कि जब माइनस में आता है ना तो भाजक में से घटा देते हैं, तो 26 में से 1 गया तो कितना उत्तर बचा 25। क्लियर है ना, देखो ध्यान से वीडियो देखते रहो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई तकलीफ रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 75 की घात 65 प्लस 35 बटे 76 में क्या शेष बचे। देखो 75 से 76 बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो हमें घात देखना पड़ेगी, और ये घात क्या है विषम, विषम होती है, तो अभी बताया था कि क्या होता है x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होता है, तो बना देते हैं प्लस 1, 75 की घात 65 प्लस 1 माइनस 1 बटे 76, ये 35 जैसा का जैसा लिख लिया। क्लियर है ना, ये हमारा कंडीशन बन गई x की पावर, देखो प्लस 1 और माइनस 1 अब
कंडीशन बनाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि प्लस वन और माइनस वन कहां से आ गया। क्लियर है ना? अगर हम एक घटा एक जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हमारा कंडीशन बन जाती है। तो x की पावर n प्लस वन, ये बन गया x प्लस वन, 35 में से गया तो क्या बचना है 34, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 की घात 45, 43 की घात 45 प्लस 5 बटे 44 में क्या शेष बचा? देखो 43 से 44 हो गया, मतलब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो हमें घात देखना पड़ेगी। घात क्या है? विषम, विषम घात रहती है तो प्लस में बनाते हैं। तो 43 की घात 45 प्लस 1 माइनस 1, देखो बनाना समझ गए ना कि माइनस में बनाना है तो माइनस 1 को प्लस पहले लेते हैं, और प्लस में बनाना है तो प्लस 1 को पहले लेना है, प्लस 5 जैसा का जैसा लिख लिया बटे 44, ये हमारी कंडीशन बच गई। 5 में से गया तो कितना बचा 4, यही हमारा आंसर है। अगर उत्तर ऋणात्मक आ जाता है तो अभी बताया था आपको भाजक में से घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 की घात 97 माइनस 27 बटे 86 में क्या शेष बचेगा? देखो 85 से 86 बड़ा हो गया, मतलब घात देखना पड़ेगी। घात क्या है? विषम, विषम घात में आपको बताया था मैंने कि प्लस में बनाते हैं, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 27 जैसा लिख दिया बटे 86, ये तो हमारी कंडीशन बन गई। क्या बचा? माइनस का 28, माइनस 27 और माइनस 1 माइनस 28, अब घटाना पड़ेगा इसमें से, तो 86 माइनस 28, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 3 गए 5, तो 58 हमारा आंसर है। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर n माइनस 1 सदैव 11 से विभक्त होगा तो n बराबर क्या? देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, 10 की पावर n माइनस 1 11, देखो 10 से 11 हो गया मतलब नीचे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो हम क्या देखते हैं? सम और विषम। अब मैंने आपको बताया था कि जब सम होता है तो क्या होता है कि x की पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होता है। देखो यहां पर x 10 है और ये x प्लस 1 11 हो रहा है, तो n सम होता है तब होती है कंडीशन। तो यहां पर क्या उत्तर होगा n का? कि सम। क्लियर है? ऑप्शन इस तरीके से थे कि सम है कि विषम है, क्या है, तो क्लियर है ना आपको सम। अब देखो मैंने आपको तीन ही कंडीशन पढ़ाई है, एक बार फिर से कंडीशन समझ लो, पूरा टाइप ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो कंडीशन किस तरीके से, मैं तीन कंडीशन लिखता हूं। पहले x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से विभक्त होती, एक कंडीशन है कि x की पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होती, एक कंडीशन है x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होती। देखो भैया यहां पर इस तरीके से याद रखना क्या कि अगर नीचे बड़ा आता है, देखो प्लस 1 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? बड़ा, बड़ा, ठीक है। माइनस 1 हो रहा है तो नीचे क्या है? छोटा। बोले अगर नीचे छोटा होता है तो सम और विषम कुछ नहीं देखते। क्या नहीं देखते? सम और विषम कुछ नहीं देखते, माइनस में बनाते हैं, मतलब माइनस पे ले लेते हैं। अगर नीचे बड़ा हो गया तो सम और विषम देखते हैं, अगर सम होती है घात तो माइनस में बनाते हैं, और विषम होती है घात तो प्लस में बनाते हैं। क्लियर है? अब इस कंडीशन को मैं वापस बोल के बता देता हूं कि n सम हो या विषम, x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से विभक्त होता है। n सम हो तो x की पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होता है, और n विषम हो तो x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से व्यक्त होता है। देखो मैंने याद रखने के तरीके बता दिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये हो क्या गया, खिचड़ी पक गई। तीन कंडीशन है, मैंने तीनों के आपको 8 से 9 क्वेश्चन कराए हैं,
आप बस एक दो बार वीडियो देख लिया करो, आपको सब समझ आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।